वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल अक्षित में। दोस्तों अगर आप एक न्यू स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो तो दोस्तों ये एकदम सही समय है एक नया स्मार्टफोन लेने का, क्योंकि दोस्तों कल तारीख थी 10 जुलाई और कल दोस्तों Flipkart पर इलेक्ट्रॉनिक सेल स्टार्ट हो चुकी है एंड दोस्तों इस सेल में कुछ स्मार्टफोन पर तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको उन्हीं स्मार्टफोन को रिकमेंड करूंगा जो दोस्तों इस सेल की बेस्ट डील्स होंगी। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हमारा आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत जैसे हम अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये सेल 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है एंड दोस्तों ये सेल 13 जुलाई तक चलने वाली है एंड दोस्तों इस सेल में एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करने पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। पहला स्मार्टफोन आता है दोस्तों नार्जो 30 प्रो। जब दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 17,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन दोस्तों इस सेल में आपको ये केवल 15,500 रुपए में मिल जाएगा एंड अगर आप इसमें एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो दोस्तों 750 रुपए तक और ये सस्ता पड़ जाएगा। एंड दोस्तों अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये एक 5G फोन है, डायमेंसिटी 800U आता है, 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आता है, 5000mAh की बैटरी आती है, 48MP का ट्रिपल कैमरा आता है। तो ओवरऑल दोस्तों काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, आप इस स्मार्टफोन की तरफ दोस्तों देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों Vivo कंपनी का Vivo V21। इस स्मार्टफोन की कीमत दोस्तों 30,000 रुपए है। इस समय दोस्तों इसमें कोई डायरेक्ट प्राइस कट तो नहीं देखने को मिला। एक तो दोस्तों इसमें आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज हो जाएगा, साथ ही दोस्तों इसमें 2,000 रुपीज का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, यानी दोस्तों अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचोगे तो दोस्तों आपके पुराने स्मार्टफोन के 2,000 रुपए बढ़ जाएंगे। एंड अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों स्पेशली Vivo के स्मार्टफोन कैमरा पर्पज के लिए जाने जाते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको 64MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 44MP की सेल्फी आती है, डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर आता है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर Vivo के स्मार्टफोन आपको बढ़िया लगता है तो इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों Mi 10T। भले ही दोस्तों ये स्मार्टफोन पुराना हो चुका है लेकिन दोस्तों अब भी काफी दमदार स्मार्टफोन है। अगर दोस्तों आप अपने पुराने स्मार्टफोन के बदले एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में दो ऑफर चल रहे हैं। एक तो दोस्तों SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करने पर आपको 2,500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों अगर आप इसमें अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हो तो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर भी इसमें आपको मिलेगा, जिससे दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको काफी सस्ते में पड़ जाएगा। एंड दोस्तों एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर आता है, 144Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आता है, 64MP का ट्रिपल कैमरा आता है एंड दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन है। तो ओवरऑल दोस्तों सब कुछ इस स्मार्टफोन का बेस्ट है, आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों पोको X3 प्रो। इस स्मार्टफोन की प्राइस दोस्तों 19,000 रुपए है। अभी दोस्तों इसमें डायरेक्ट प्राइस कट नहीं देखने को मिलता लेकिन दोस्तों इसमें दो ऑफर लग रहे हैं। एक तो दोस्तों अगर आप इसमें एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो दोस्तों 750 रुपए तो यहाँ पर प्राइस कट हो जाएगी, साथ ही दोस्तों एक्सिस बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड कुछ भी यूज करने पर 1,000 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको केवल 17,250 रुपए में पड़ जाएगा। एंड दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस प्राइस रेंज में नंबर 1 गेमिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर आता है, 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आता है, अच्छा कूलिंग सिस्टम आता है। तो ओवरऑल दोस्तों इस प्राइस रेंज में नंबर 1 गेमिंग स्मार्टफोन है, आप इसकी तरफ भी दोस्तों देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों Realme 7 Pro। अगर दोस्तों आपको अच्छा कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छे चार्जिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन दोस्तों आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अभी दोस्तों इसकी प्राइस 16,000 रुपए है। अगर दोस्तों आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो 750 रुपए सस्ता और मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 64MP का क्वाड कैमरा आता है, 32MP की सेल्फी आती है एंड दोस्तों AMOLED डिस्प्ले और 65W की चार्जिंग आती है। तो ओवरऑल दोस्तों काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, आप इसकी तरफ भी दोस्तों देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों Realme X7। अगर दोस्तों आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस समय दोस्तों सेल में इसकी प्राइस 19,000 रुपए है एंड अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो दोस्तों 750 रुपए आपको ये और सस्ता मिल जाएगा। एंड इस प्राइस रेंज में दोस्तों काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, इसमें दोस्तों आपको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी चार्जिंग, अच्छी डिस्प्ले, सब कुछ दोस्तों अच्छा देखने को मिलता है एंड 64MP का ट्रिपल कैमरा भी आता है। तो ओवरऑल दोस्तों एक शानदार ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, इस प्राइस रेंज में दोस्तों काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, आप इसकी तरफ भी दोस्तों देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों Infinix Hot 10s। इस सेल में दोस्तों इस पे 500 रुपए डायरेक्ट प्राइस कट देखने को मिल रही है एंड अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो दोस्तों 750 रुपए आपको ये और सस्ता मिल जाएगा। एंड दोस्तों ये इस प्राइस में काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर दोस्तों आपको बड़ी डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 6.82 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड साथ ही दोस्तों 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आता है। तो दोस्तों अगर बड़ी डिस्प्ले वाला चाहिए तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप इसकी तरफ भी दोस्तों देख सकते हो।
नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों मी 11 लाइट। ये स्मार्टफोन दोस्तों जब लॉन्च हुआ था 22,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन दोस्तों इस समय से स्मार्टफोन पे एक ऑफर चल रहा है। यदि दोस्तों आप SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो दोस्तों 1500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है, जिससे दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन 20,500 रुपए में मिल जाएगा। एंड अगर दोस्तों आपको सबसे पतला स्मार्टफोन चाहिए, सबसे स्लीकेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 2021 का सबसे स्लीकेस्ट स्मार्टफोन है। हमने दोस्तों इस स्मार्टफोन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी किया, अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर दोस्तों इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं। तो वो दोस्तों काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, आप इसकी तरफ भी दोस्तों देख सकते हैं। लास्ट स्मार्टफोन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा रियलमी X7 मैक्स। अगर दोस्तों आपका बजट 27,000-28,000 रुपए है तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस सेल में दोस्तों इसकी प्राइस 27,000 रुपए है, इसमें कोई डायरेक्ट प्राइस कट देखने को नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करने पर आपको ये 750 रुपए मंदा पड़ जाएगा। एंड इस प्राइस रेंज में दोस्तों काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, Dimensity 1200 प्रोसेसर आता है, 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आता है, सुपर AMOLED डिस्प्ले आती है, 64MP ट्रिपल कैमरा आता है। ओवरऑल दोस्तों इस प्राइस रेंज में रियलमी कंपनी का एक शानदार स्मार्टफोन है, बल्कि दोस्तों Realme की X सीरीज का सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है। आप इस स्मार्टफोन की तरफ भी दोस्तों देख सकते हो। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको केवल उन्हीं स्मार्टफोन्स को रिकमेंड करा है जो दोस्तों इस सेल की बेस्ट डील्स है एंड दोस्तों अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे कौन शानदार वीडियो साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।